अब हम करने वाले हैं कुनाली पे प्रैंक, न्यू फोन का। ये देखो मेरे पास डब्बा है ना, ये डब्बे के ऊपर यहाँ पे देखो कार बनी हुई है, तो ये फोन है जो एक कार की तरह दिखता है मतलब। और इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं, देखो ये इस तरह से। ओ भाई ये क्या था? लाइट जल रही है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी गाइज मस्त रेडी हो गए हैं और आज जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, डंकी, जो कि आज ही रिलीज हुई है। तो आज जा रहे हैं फर्स्ट शो देखने के लिए, पहले दिन ही, बिकॉज इस साल की लास्ट मूवी है और बता रहे हैं एक बहुत अच्छी है। तो चलते हैं, देख के आते हैं। वैसे यूजली मैं बहुत कम मूवी देखता हूँ, बिकॉज पूरा दिन काम करता हूँ, रात को एडिट करता हूँ, टाइम तो मिलता नहीं है। बट आज टाइम निकाला, सुबह से प्लान बना कि चलते हैं। पीयूष सर मैं जा रहे हैं, मस्त जाने से पहले पूजा कर लेते हैं, मस्त, जय माता रानी। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं, हरी सब्जी साथ में रोटी। मम्मी जी पूरे घर की पूजा करती है, किचन से लेके यहाँ डाइनिंग टेबल, ये रूम सब जगह। ठीक है मम्मी जी, हम जा रहे हैं अब। खाई रोटी? खाली। देखो मैंने मम्मी को बोला मैं जा रहा हूँ, मम्मी ने यही पूछा कि खाना खाया है ना। मम्मी हमेशा ऐसी चीजों का ध्यान रखती है, खाना पानी ये सब चीजों। बाय ओलू। तो भाई इस मॉल पहुंच गए, चलते हैं अंदर। तो अब जा रहे हैं ऊपर मूवी देखने के लिए। भाई मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बिकॉज शाहरुख खान फेवरेट है ना। ये कहाँ पहुंच गए? सही पहुंचे, गलत पहुंचे भाई, कहीं अंधेरे में पहुंच गए भाई। फिफ्थ पे जाना है, फिफ्थ पे। तो गाइस हम टाइम से पहले पहुंच गए। ड्रोन शॉट्स। तो गाइस मूवी खत्म, कैसी लगी? मस्त थी ना। तो भी गाइस हम आ गए स्काईडेक, और यहाँ पे देखो पूरे बैलून लगा रखे हैं। एक्चुअली आज ना स्काईडेक की एनिवर्सरी है, हमको पता ही नहीं था, पूरे बैलून लगा रखे हैं। चलते हैं ऊपर, चलो भाई। सब जगह पूरे बैलून लगा रखे हैं, देखो यहाँ भी पूरे बैलून लगा रखे हैं, देखो। तो गाइस अब चलते हैं ऊपर और बोबिया को बधाइयां देते हैं भाई। चलो आज तो पार्टी लेंगे बोबिया से। हाँ। बधाई बोबिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, फोर्थ एनिवर्सरी है आज। थैंक यू, पापा मैं भेज दूंगा। मम्मी पापा कैसे आप सभी साथ में? पूरी फैमिली, पूरी फैमिली। ये हमारी बड़ी दीदी है, ये हमारी भतीजी है, ये हमारी जीजा जी है, ये हमारी भाभी है, इसके पापा है, इनके पापा है, मैं इसकी मम्मी हूँ। और ये हमारी बहुत बहुत अच्छा लगता है, आपके बड़ी अच्छी लगती है। हम सुबह जैसे मॉर्निंग में इसका स्कूल जा रहा था ना, पहले ब्लॉक लगाते हैं कि देखना है स्पेशल डिश फॉर यू, बेल पेपर कॉर्न चीज। क्या बेल पेपर कॉर्न चीज? बेल पेपर कॉर्न चीज। चलो भाई फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। बेल पेपर कॉर्न चीज, बेल पेपर कॉर्न चीज, नाम भी याद ना हो भाई। पिज्जा कितना लग रहा? तो गाइस ये है वेज कोकोनट। कोकोनट क्या है इसमें? वेज बिरयानी, रायता, पनीर और दाल। तो गाइस मस्त खा पी के आ गए, अब चलते हैं घर पे, इसको ट्यूशन जाना है। टाइम देखो 2:30 बज चुके हैं, 3 बजे ट्यूशन है इसकी, आधे घंटे में घर पहुंचना है, वो जल्दी से घर पहुंचना भाई। तो भी गाइस घर पे पहुंच चुके हैं, अब हम करने वाले हैं कुनाली पे प्रैंक, न्यू फोन का। ये देखो मेरे पास डब्बा है ना, ये डब्बे के ऊपर यहाँ पे देखो कार बनी हुई है, तो ये फोन है जो एक कार की तरह दिखता है मतलब। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो मैं ना इसको निकाल के मैं डाल दूंगा आईफोन के डब्बे के अंदर, और मैं कुनाली को बोलूंगा कि तेरे लिए नया फोन मंगाया है। तो फिर उसका रिएक्शन देखेंगे, एकदम से खोलेगा, उसके अंदर से ये कार वाला फोन निकलेगा। तो फिलहाल इसको खोल के देखते हैं कैसा फोन है। चलो इसमें ब्लैक बना हुआ ना, बट रेड है इसमें।
ओ भाई ये फोन है, लग ही नहीं रहा, देखो फोन है। तो गाइज ये है फोन, देखो भाई लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा कार है, और साथ में एक बैटरी भी है इसके। देखो इतना छोटा था, देखो गाइज लग ही नहीं रहा ये फोन है, ये लग रहा है किस एंगल से लग रहा है फोन है, ये ऐसा लग रहा है लिटरली कार ही है ये। बट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये इस तरह से खुलता है कन्वर्टेबल, और ये देखो ये बन गया फोन, कितना मस्त है भाई। ऐसे तो पता भी नहीं चलेगा भाई ये फोन है, ऐसे तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा, देखो कहीं से भी पता नहीं चलेगा ये फोन है, ऐसे तो कुनाली को पता नहीं चलेगा। देखो सारे बटन बटन है इसमें, कीपैड वाला है, कैमरा भी है यहाँ पर, देखो ये लगाई बैटरी, लाइट जल रही है गाइस, देखो यहाँ पे कुछ भी खोल रहा है तो कार बनी हुई आ रही है। ओ भाई ये देखो अभी दिखा रहे हैं इंसर्ट सिम, तो दो सिम आते हैं इसमें, दो सिम डाल सकते हैं मस्त, और इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं, देखो ये इस तरह से। ओ भाई ये क्या था, लाइट जल रही है भाई, लाइट ही लाइट है इस फोन में, वही तो मुझे चाहिए यार, कितना क्यूट सा है ना छोटा सा, देख लो भाई ये मेरा हो गया छोटा सा। भाई कैमरा भी है इसमें, देखो देखो मिरर फोटो, मिरर फोटो, प्लीज इंसर्ट मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा तभी खींचेगी फोटो, नॉर्मल ब्लर ब्लू ग्रीन भाई ये क्या है। तो गाइस इस डब्बे में आ ही नहीं रहा, फोन थोड़ा मोटा है ना, तो हमको ये फाड़ना पड़ेगा, फाड़ फाड़। अब जिसके डब्बे में इसका केस आया था ना, वापस उसी में डाल देते हैं इसको, डब्बा पूरा पैक हो चुका है। क्या हुआ कनाली, एक्साइटेड हूं मैं बहुत गिफ्ट है? के लिए है? मेरे गिफ्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूं, अगर गंदा गिफ्ट हुआ तो मैं रो जाऊंगा। तो गाइस पूरी फैमिली आ चुकी है, तो कनाली रेडी? हां रेडी। न्यू आईफोन नहीं है क्या ये? है ये क्या, फोन क्या ये, गाड़ी है, है? गाड़ी है ना, क्या ये गाड़ी, ये देखो ये रहा। तो गाइज अब हम ट्राई करने वाले हैं बहुत ही फेमस ड्रिंक जिसका नाम है प्राइम, पूरी फैमिली ट्राई करेंगे, और ये बहुत महंगी आती है, 1600 रुपए की आती है, इतनी सी देखो 1600 रुपए की। तो ट्राई करते हैं पूरी फैमिली को कैसी लगती है, सबसे पहले मम्मी जी ट्राई करेगी, लो करो कैसा है, बहुत टेस्टी, मेरे को तो इतनी गंदी लग रही है, मेरे को पसंद नहीं आई, अच्छी है ठीक तो है, तो है फिर क्या दिक्कत, सही तो है यार, दवाई की तरह टेस्ट है हल्का। गाइस पूरी फैमिली को पसंद आई है, बस मेरे को, पीयूष को और कुनाली को पसंद नहीं आई, बाकी सबको पसंद आई है। तो भी गाइस मम्मी काट रही है गडेरी, आज बनेगी गडेरी की सब्जी, ये देखो ये होता है ना, ये हमारे खेत में ही होगी थी, ये मम्मी शहरों में मिलती है, दिया हुआ है ना, शहरों में नहीं मिलती ना ये गाइस पहाड़ों में मिलती है बस। ये देखो इस तरह की होती है, ये खेत से लेके आते हैं ना, पूरी मिट्टी लगी हुई है इसमें, तो इसको पूरा साफ करना पड़ता है, उसके अंदर से निकलती है ये, इसकी सब्जी बनती है, ये देखो पूरा अच्छे से साफ करना पड़ता है पूरी मिट्टी को ना, थोड़ी मेहनत लगती है इसको साफ करने में, काटने में अच्छे से, बट जब बनती है ना बहुत टेस्टी होती है बहुत। कुनाल आज पार्टी में जाना है, कौन सी, स्काईडेक, किसकी, स्काईडेक की एनिवर्सरी आज है, चलोगे, चलूंगा ना सर, स्काईडेक की एनिवर्सरी होती है, एनिवर्सरी क्या, एनिवर्सरी क्या, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी हां, एनिवर्सरी क्या होता है, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी हां, एनिवर्सरी, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगा यार, घर पे नहीं खाते पेट भर के, नहीं यार सरदा, घर पे ना कुछ टैलेंट जैसा नहीं बनाते ना, जैसे कि वो कहते डोसा, जैसे हम वो होटल में मंगाते हैं ना चीजें, वो एक सेकंड में ले आते हैं, वैसे बड़ी मम्मी होती है ना, वो कुछ बनाती नहीं है, जो बनाता है वही खाना होता है। मतलब घर पे आप कभी पेट भर के नहीं खाते? नहीं। देख लो मम्मी क्या बात कर रहे हैं, नहीं खाता है तो मत खाए, हम तो बनाते ही हैं। कुनाली मेरी बात सुनो और लाइफ टाइम याद रखना, आप दुनिया में किसी भी होटल में किसी भी फाइव स्टार कहीं भी खाना खा लो, लेकिन जो माँ के हाथ का है ना उसको वो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा फ्यूचर में, आप इस बात को याद रखना, आप याद करोगे चाहे आप कितने पैसे खर्च करें, लेकिन आपको जो आपकी माँ के या फिर अम्मा मम्मी के हाथ का खाना कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि बात खाने की नहीं होती, बात होती है इमोशंस की, माँ के इमोशंस की, वो आपको कहीं भी कितने पैसे खर्च कर लो वो कहीं नहीं मिलेंगे। वो अभी कुनाली फील नहीं कर सकता, वो मैंने फील किया है मम्मी। सब्जी रेडी होने वाली है फिलहाल, यहाँ बन रही है रोटी। गाइस कमेंट करके बताना आपके घर में भी ऐसे ही होता है, जब भी तेल निकालते हैं तो पॉलिथीन को इस तरह से रख देते हैं ताकि सारा तेल इसे टपक जाए, देखो हमने इस तरह से रखा हुआ ताकि बूंद बूंद करके सारा तेल टपक जाए इसमें, ये सबके घर में होता होगा। तो डिनर रेडी हो गया है, देखो भाई ये सब्जी कहीं नहीं मिलती यार, तेरी पसंद की चटनी है, मम्मी को पता है मेरे पसंद की चटनी है। गाइस कुनाली ने बोला कि मैं बाहर खाता हूँ पेट भर के, बट मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तो घर में आके खाता हूँ पेट भर के, पेट को सुकून तब मिलता है जब मम्मी के हाथ घर खाना मिलता है, बाहर खाओ तो अजीब सा होता है पेट में। तो गाइस मेरा खाना तो हो चुका है, बाकी सब खाएंगे स्काईडेक में, चलो वहीं पे पार्टी है ना, तो भी जाने का टाइम आ चुका है, कुनाली को समझा दो बस, इसको समझा रही हूँ किसी से फालतू नहीं बोलना है, और उधम देख ले यही ऐसा करने लग गया, और वहाँ उधम नहीं मचानी, जो खाना मिलेगा चुपचाप खाना है और बैठ के, और हम नहीं आ रहे, देख ले पापा जी आ रहे हैं, ये तो तड़का देंगे तेरे को अगर फालतू बोले करेगा, वहाँ
ठीक है। बड़ी मियां तो पेट भर के आऊंगा यार, पेट भर के आऊंगा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पेट भर के खाता ही नहीं है, कुछ बनाना ही तो बड़ी मियां होटल में यार एक्सपेंसिव बनता है यार, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या होता है? एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव का मतलब मस्त मजा। कुनाली को अपने साथ बिठा ले। अब जा रहे हैं सीधा ऊपर, मिलते हैं वो भी से और केक कट करते हैं। तो गाइस स्काईडक तो पहुंच गए हैं और ऊपर देखो हैप्पी एनिवर्सरी, लेकिन बॉय भी गायब है, बॉय भी आया नहीं है, हम पहले पहुंच गए पार्टी में। बॉय भी अभी आ गए हैं तो हैप्पी एनिवर्सरी आपका। थैंक यू। तो गाइस फाइनली पार्टी खत्म हो चुकी है और देखो टाइम देखो पूरी रात के 11 बज चुके हैं। तो अब चलते हैं सीधा घर। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं। तो घर पहुंच गया हूं और आजकल मैं काम कर रहा हूं एक मस्त चीज पे, मैं थोड़ा बहुत दिखाता हूं। ये देखो ये मैंने बनाया है, तो गैस करना ये क्या हो सकता है। आपको 24 तारीख को चल जाएगा पता, मैं कुछ नई चीजें ट्राई करने वाला हूँ। 24 तारीख को चल जाएगा पता कुनाली के लिए और आप लोगों के लिए कुछ कुछ मैंने सोचा है। तो हाँ बस वेट करना 24 तारीख का। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार ये साहिल कैसी हरकतें कर रहे हैं यार, बीच में कभी मोजा फेंक रहे, कभी मेरा ही मोजा उतार दे रहे हैं। तूने जाकर मेरे ऊपर क्यों करा बेटा? किसने उतारा? किसने? अरे यार वीडियो बना रहा हूँ बीच में। देखो ना यार तमीज है इसको।